नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नोकिया की तरफ से नोकिया 225 4G फ़ोन। दोस्तों ये नोकिया की तरफ से 4G फ़ोन है, नोकिया 225 4G कीपैड फ़ोन है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करूँगा, इसकी प्राइस बताऊँगा और दोस्तों ये फ़ोन मैंने क्यों लिया है और ये फ़ोन आपको किस वजह से लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और दोस्तों इस फ़ोन में आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं, क्या इसकी लुकिंग है, कैसा लगता है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और साथ ही दोस्तों आपको बताऊँगा कि इस फ़ोन में आप कौन सी सिम चला सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों ये है मेरे पास नोकिया 225 4G जिसका मेरे पास दोस्तों है ब्लू कलर। और दोस्तों आप जिस कलर में भी फ़ोन लेते हो वही कलर आपको यहाँ बॉक्स पर छपा हुआ मिलेगा, या अगर मैं ब्लैक लेता तो ये ब्लैक कलर में फ़ोन छपा हुआ मिलता, बट मैंने दोस्तों लिया है ब्लैक कलर, ब्लू कलर, तो ये यहाँ पर ब्लू कलर में शो हो रहा है। और अभी दोस्तों आप जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, जो रिकॉर्डिंग जो मैं जो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वन प्लस के वन प्लस नॉट CE2 5G फ़ोन से, जिसकी क्वालिटी आप मुझे देख के कमेंट करके बताना कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो आप देख सकते हो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। अब मैं आपको इस बॉक्स को ओपन करके दिखाता हूँ, उससे पहले दोस्तों आपको बैक में दिखाता हूँ इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो देखिए इसके अंदर आपको 4G नेटवर्क मिल जाते हैं बोल्टी वाले, इसमें आप दोस्तों ओपेरा मिनी ब्राउज़र चला सकते हो, आपको इसके अंदर वायरलेस FM रेडियो सपोर्ट मिलता है। तो इसमें कुछ ऐसे फीचर मिलते हैं जो आपके लिए डेली नॉर्मली यूज होते हैं और आप इसमें दो सिम चला सकते हो। दोस्तों ये 4G फ़ोन है, इसमें आप जियो सिम भी चला सकते हो, बट आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए पहले बॉक्स ओपन करते हैं। और दोस्तों देखिए मेरा ब्लू कलर है, मेड इन इंडिया, क्योंकि नोकिया दोस्तों ये कंपनी आपको पता ही है कि इंडिया में मैनुफैक्चरिंग करती है, जिसका EMI नंबर है। चलिए ओपन करते हैं, जबकि मैंने इसको ओपन कर लिया है क्योंकि मैंने चेक किया था, अपनी मार्केट से लिया था, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये है उस दुकान का बिल जहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया है, ये मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि इसमें हमें क्या प्राइस मिली है। और दोस्तों देखिए ये है इसका चार्जर जो कुछ तरह शायद मिलता है, इसके जो डाटा केबल है इसके अंदर दोस्तों लगी हुई आती है, अलग से नहीं आती, तो ये चार्जर मिलता है इसके अंदर। और दोस्तों जो मिलता है कुछ इसके अंदर जो किताब वगैरह मिलती हैं, देखिए कोई स्टार गाइड है और बाकी दोस्तों कुछ भी नहीं मिलता, बाकी है ये फ़ोन। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ इस फ़ोन के पहले बैटरी की, तो इसके अंदर आपको 1100 से 1220 के अंदर की बैटरी मिल जाती है MAH की। और दोस्तों बैटरी मैंने इसके अंदर फ़ोन में लगा दी, जबकि बैटरी जब आप बॉक्स लोगे तो बैटरी आपको अलग से इस बॉक्स के अंदर रखी मिलेगी, बट मैंने इसको यूज किया, ऑन किया, सिम लगा के देखी तो तब मैंने इसकी बैटरी इसके अंदर लगा दी। तो दोस्तों देखिए ये फ़ोन है, इसको मैंने ऑन किया, जिसमें दोस्तों आप देखिए जियो सिम चल रही है, जियो 4G। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप इसमें जियो की सिम चला सकते हो, एयरटेल, आइडिया, जो भी आप 4G सिम चला सकते हो। और दिक्कत दोस्तों इसमें सिर्फ यही है कि अगर आप कोई सिम जियो की इसमें चला रहे हो तो दोस्तों आपको इसमें जियो की सिम वही चलानी पड़ेगी जो सिम आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन में चलाते हो। अगर आप जियो फ़ोन की जो सिम होती है वो जो 1700-1700 रुपये का आता है जियो फ़ोन कीपैड वाला, अगर उसकी सिम आप इस फ़ोन में चलाओगे तो सिम तो वर्क करेगी, कॉल भी आ जाएंगे, बट जो जियो फ़ोन का रिचार्ज होता है वो रिचार्ज इस सिम के अंदर, इस फ़ोन में जब सिम डालोगे तो वो काम नहीं करेगा। यानी दोस्तों अगर आपका कोई फ़ोन है जियो सिम, जियो फ़ोन वाला फ़ोन है आपके पास, अगर आप उसकी सिम इस फ़ोन में डालते हो तो इस फ़ोन में लगाने के बाद नेटवर्क भी आएंगे, आपके पास कॉल भी आएगी, बट आप इस फ़ोन से कॉल नहीं लगा पाओगे। जब आप कॉल लगाओगे तो दोस्तों कंपनी तरफ से मैसेज आता है या फिर जो कस्टमर केयर होते, कस्टमर की तरफ से कुछ जो उसमें आवाज़ आती है, वो बोलते हैं कि आपको इसमें एक रिचार्ज कराना पड़ेगा जो इस फ़ोन को सुटेबल होगा, मतलब आपको वही रिचार्ज कराना पड़ेगा जो आप एंड्रॉयड में कराते हो, आपको जियो फ़ोन का रिचार्ज इस सिम के अंदर काम नहीं करेगा अगर आप वो सिम इस फ़ोन में डालते हो। तो ये छोटी सी दिक्कत है, ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, बट जी अगर जियो सिम इसमें चल जाती है तो ये एक अच्छी बात है। अब दोस्तों बात करते हैं मेन फ़ोन की। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर आपको ये डिस्प्ले मिलती है, जो दोस्तों ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले नहीं है, फिर भी मैं दोस्तों आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों मैं इसके अंदर रोम की। तो इसके अंदर आपको 64 MB दोस्तों रैम मिलती है
और 128 MB की आपको इसके अंदर रैम मिल जा मेमोरी मिल जाती है। और दोस्तों इसका कैमरा की बात करूँ तो 0.3 मेगापिक्सल का इसमें रियर कैमरा दिया गया है। ये देखिए जो कैमरा है इसका, ये वाला 0.3 मेगापिक्सल है। इसकी क्वालिटी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो दोस्तों 2.4 इंच की इसमें QVGA डिस्प्ले दी गई है, 2.4 इंच। अब दोस्तों बात करते हैं बैटरी की, तो 1150 mAh की इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी बैटरी है। टू इस कीपैड के हिसाब से आपका 1 से 2-3 दिन आराम से निकाल देगी। अगर आप नॉर्मली यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हैवी यूज करते हो फिर भी आपका 1 से 2 दिन 1.5 दिन आराम से निकल जाएगा। इसमें आप 2G, 3G, 4G कोई सी भी सिम लगा सकते हो, सब चलेंगी। 2 सिम का फ़ोन है ये। इसमें आप दोस्तों मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो 32 GB तक का। इसके अंदर आपको दोस्तों ऑडियो जैक भी मिलता है, बट इसके अंदर आपको लीड जो होती है ऑडियो जैक वाली लीड वो नहीं मिलती, बट आपको इसके अंदर जैक मिलता है। अगर आप बॉक्स के अंदर आपको दोस्तों चार्जर मिलेगा, बैटरी मिलेगी और फ़ोन मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ आइटम जिसमें आपको बॉक्स के अंदर मिलते हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक की बिल्ड है दोस्तों। सिंगल स्पीकर है यहाँ पर, स्पीकर भी दोस्तों उसका काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल यूज के लिए काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैमरा, तो चलते हैं मैन कैमरे की तरफ। तो दोस्तों देखिए मैं आपको इसका कैमरा दिखाता हूँ, ये देखिए इसका कैमरा। तो आप कैमरा की क्वालिटी देख सकते हो, आपको इस वीडियो में थोड़ा वाइट बैलेंस ज़्यादा दिख रहा होगा, बट जब मैं इसका फ़ोटो कैप्चर कर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, आपको मुझे यहाँ सही सलामत दिख रहा है। फिर भी मैं आपको एक क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो कुछ इस तरह का शॉट दोस्तों मुझे मिलता है देखने के लिए, ये देखिए देखो। तो दोस्तों कैमरा है इसके अंदर, पर इतना खास कैमरा नहीं है, बट आपको मिलता है तो ये अच्छी बात है, आप इसको जूम भी कर सकते हो, देखो। और दोस्तों इसके अंदर आपको एक चीज़ दिखाऊं, इसके अंदर आपको माइक्रो USB वाला सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपके चार्जर जो ख़राब भी हो जाता है तो फिर भी आप दोस्तों किसी और चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हो। अब दोस्तों दिखाता हूँ आपको इसका बिल। तो दोस्तों ये देखिए ये इसका बिल है 3500 रुपये, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ 3500 रुपये का खरीदा है 27 तारीख को। तो अगर आपको ये फ़ोन अब चाहिए तो आप अपनी मार्केट से ले सकते हो, 3500 रुपये में जो आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आप इसे ऑनलाइन लेते हो तो ये आपको मिलेगा 3800-3900 समथिंग, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।